मैं समझती हूँ बहुत ही आपत्तिजनक है और संवेदनहीन बयान है एक किसी भी धर्म पर या धर्मावलंबियों पर कुटाराघात करना, ये हमारे लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। और राशिद अलवी जी ने बात कैसे कही मुझे बहुत आश्चर्य है। सलमान खुर्शीद जी ने जो अपने पुस्तक में लिखा उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि हमारा सबसे पहले संविधान ही कहता है, हमारा कानून कहता है कि जो हमारे लोग हैं, किसी भी जो समूह है, चाहे वो हमारा धार्मिक समूह हो या सामाजिक हो, उस पर कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको मानसिक रूप से क्लेश देती है, तथा कहीं पर भी सामाजिक अगर एक टकराव की स्थिति आए तो ऐसी लेखनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य है, और चुनाव के समय ऐसा लिखना, पता नहीं उनकी दृष्टि कहाँ है, किसी वोट बैंक पे होगी। तो ये वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। राष्ट्र में, लोकतंत्र में एक सेवा भाव से विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यही वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग विकास के नाम पर पूरी तरह मुलतिया उतरे हैं, लेकिन अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हमारी दिवाली और होली बेहतर मनाई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है तो उसकी बात भी हम करेंगे, परंतु मूल रूप से विकास विकास विकास। मोदी जी और योगी जी ने जो करिश्मे किए हैं देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो मूल्यों को बदला है, वो हमारे मुख्य आधार है। और विपक्ष तो बौखलाया हुआ है, दौड़ रहा है कि कैसे किस जात को, कैसे किस समुदाय को अपनी ओर खींचे। तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। और ये जो जितने दल है ना, ये चुनाव से चुनाव निकलते हैं। अब जनता भारत की बहुत जागरूक है, उत्तर प्रदेश तो राजनीति का गढ़ है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता राजनीति में यूपी से होके जाता है, तो यूपी को बरगला लेना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और बड़े बहुमत से इस बार अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी है ये भी जो जिन्ना की बात कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर ने भी जो है जिन्ना को कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा। बहुत आश्चर्य की बात है, जिस इंसान ने इस देश को तोड़ा, जिसने घृणा फैलाई, 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई दोनों तरफ, ऐसे व्यक्ति को कहें आज़ादी दिलाई, मुझे लगता है उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है और इसका आयोजन हमारे गृह मंत्री जी के आह्वान पर हुआ है, हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के महत्व को बताने के लिए, समझने के लिए, उसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास होते रहते हैं। और ये अमृत महोत्सव का वर्ष है, और खुद महात्मा ने कहा था कि जिस देश की अपनी स्वयं की राष्ट्रभाषा ना हो देश गूंगा होता है। तो राजभाषा के रूप में जो संविधान में हिंदी को जगह मिली, उस हिंदी की प्रगति कितनी हुई, उसमें क्या और भविष्य में करने की आवश्यकता है, हिंदी का संवर्धन कैसे हो, कैसे उसको लिंक लैंग्वेज पूरे देश की बनाया जाए, तो इस प्रकार इस बातों पर चर्चाएँ होंगी। पहले तो हमारा जो है वो ओपनिंग सेशन है, ये हमारा प्रथम सत्र है, और इसके बाद हमारे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, और उन ग्रुप्स में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राजभाषा की कितने दूर आई और कितने दूर जाना। आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी गिरावट भी आई है, स्कूलों में अगर देखा जाए तो जो पढ़ाई होती है अधिकतर बच्चे हिंदी में ही फेल होते हैं, तो क्या है? पहली बात तो ये है कि राजभाषा का जो स्थापित किया गया वो अभी राजकीय कार्यों में किया गया, और प्रथम तो हमारी चिंता यह है कि अंग्रेजी को जाना चाहिए। अंग्रेजी को जब तक हम लोग अपने क्रियाकलापों से, दैनिक कार्यों से नहीं हटाएंगे, परीक्षाओं से नहीं हटाएंगे, शिक्षा से में कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने राजकीय कार्यों में उसको नहीं हटाएंगे, तब तक हिंदी का संवर्धन या किसी क्षेत्रीय भाषा का भी उचित संवर्धन नहीं होगा। तो इसलिए जो आपने कहा, लोग हमेशा ये करते हैं कि जो विषय उनका अच्छा होता है उस पर कम मेहनत करते हैं, और इसीलिए हिंदी को आखिर में तैयार करते हैं बच्चे, और उसके नंबर कम हो जाते हैं या फिर तो ये तो परिवार की एक दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अपनी स्थानीय भाषा और अपने राजभाषा में प्रवीण करें, क्योंकि अपनी भाषा में अभिव्यक्ति हमेशा अच्छी होती है, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या राजभाषा हो, इसको समृद्ध करना होगा। और आपको भी जानकर खुशी होगी कि 57%
ऐसे लोग इस देश में हैं जो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी का संवर्धन हो रहा है। जब हमारा संविधान था तब 41% था, 57% है, और मेरे ख्याल कोई 5-10% लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को समझते ना, पर लिखना बोलना मुश्किल अलग बात होती है। तो देवनागरी का प्रयोग और हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान ने दिया है, और इसलिए हमारी सरकारें निरंतर ये प्रयत्न करती हैं कि उसका 100% अनुपालन हमारे राजकीय कार्यों में हो। और क्योंकि भाषा हिंदी पूरे देश में स्वीकृत नहीं थी, इससे उसे तीन क्षेत्रों में क्षेत्र वो हैं जो पूर्णतः हिंदी में काम करने को तैयार हुए, उन राज्यों का पूरा लेखा जोखा केंद्र सरकार के साथ हिंदी में होता है। द्वितीय वो हैं जिन्होंने स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को स्वीकार किया है राजभाषा को, और तीन और तीसरे स्तर पे वो राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को अस्वीकृत किया है। परंतु इन तीनों स्तरों के लिए अलग अलग मानक हिंदी के उपयोग के लगाए गए हैं, और उन मानकों के अनुरूप वो काम कर रहे हैं कि नहीं। केंद्रीय कार्यालय हो या केंद्र के प्रदेशों में कार्यालय हो, उनका हम जो है वो निरीक्षण करते हैं। राजभाषा समिति जो सांसदों की है, और आज राजभाषा संसदीय समिति के कई सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैडम, अगर बात करते हैं कि जिस तरह से 2000